हाय गाइस, वेलकम बैक टू फैक्ट टेक 14। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि जितने फैक्ट टेक 14 के नोटिफिकेशंस या अपडेट्स हैं वो आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं डिजिटेक 3 एक्सिस गिम्बल की, जो कि बेसिकली एक स्टेबिलाइजर है आपके स्मार्टफोन के लिए। वैसे अगर एक चीज़ कहूँ तो कुछ दिनों पहले तक मुझे आइडिया तक नहीं था कि गिम्बल बोल के कुछ एक प्रोडक्ट है। वो तो मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया और कहने लगा कि ब्रो, मैंने एक गिम्बल खरीदा है। तो अब मुझे तो पता नहीं है कि गिम्बल होता क्या है, तो खुद की बेइज्जती कौन करवाएगा। तो मैंने उसे कहा कि भाई, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, सही किया खरीद के। फिर मैंने खुद थोड़ा सा सर्च किया गिम्बल के बारे में, तब जाके मुझे पता चला कि इस तरह के प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है मार्केट में जो आप खरीद सकते हो और अपने फ़ोन को स्टेबिलाइज कर सकते हो इसे यूज़ करके। बेसिकली ये फ़ोन का स्टैंड है लेकिन विथ डिफरेंट फंक्शंस, ब्रॉड में अगर मैं आपको कहूँ तो। अब इस तरह के गिम्बल्स के बहुत सारे वैरायटीज़ हैं, थोड़े से हाई रेंज वाले हैं, थोड़े से मीडियम रेंज, थोड़े से लो रेंज वाले। अब मैं ज़्यादा एफोर्ड तो नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए जो सबसे लोएस्ट रेंज वाला गिम्बल था, जिसका थोड़ा सा रिव्यूज़ और रेटिंग्स भी अच्छा था, वही मैंने खरीदा, जो कि है आपका डिजिटेक 3 एक्सिस गिम्बल। अब हो सकता है इससे कम प्राइस वाले भी गिम्बल अवेलेबल हो, लेकिन मुझे नहीं मिला। ठीक है, तो अब इसे अनबॉक्सिंग करने से पहले इसके जो डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस हैं वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। अब इसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो हम देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसका जो मॉडल नंबर है वो आप देख लीजिए, DSG005। अब इसके दो मॉडल्स अवेलेबल है मार्केट में, दोनों में बस कलर का ही डिफरेंस है। अगर आपको ब्लैक मैट फिनिश वाला गिम्बल चाहिए तो आप DSG005 लीजिए, अगर आपको ग्रे मैट फिनिश वाला कलर चाहिए तो आप DSG007F ले सकते हो। बाकी दोनों में जो फंक्शनैलिटी है वो बिल्कुल ही सेम रहेगा। अब जो डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस है वो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। अर्गोनोमिक स्ट्रक्चर डिजाइन, शॉक रेजिस्टेंस एंड फंक्शनैलिटी, ईजी पैनोरामिक शूटिंग, फेस एंड ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन फंक्शन, पैन टिल्ट एंड लॉक फंक्शन विथ मोड की। इसके बाद जो एडिशनल फीचर्स आपको मिलते हैं उसमें से एक है FPV मोड, फोन गो फंक्शन, इंसेप्शन मोड, ट्रिपल क्लिक फॉर हॉराइजेंटल एंड वर्टिकल स्विच। तो ये सारे फंक्शंस कैसे काम करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के दौरान बता दूंगा। एक और चीज़ बता दूं, इस गिम्बल का एक एप्लीकेशन भी आता है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप अगर इसे स्कैन करते हो तो वो एप्लीकेशन पर आपको ले जाएगा। तो उसे अगर आप लोड कर लेते हो अपने फ़ोन पे तो आपको फिर कैमरे या फिर फ़ोन को टच करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपने फ़ोन के कैमरे में जितने भी फीचर्स हैं वो इस गिम्बल के थ्रू ही ऑपरेट कर सकते हो। तो चलिए अब हम इसे खोलते हैं और इसके जो डिफरेंट चीज़ें हमें मिलती है इसके अंदर वो हम देख लेते हैं। तो इसे अभी हम खोलते हैं, इसे बस इस तरह से आप स्लाइड कर लीजिए और ये आपका खुल गया। जो ऊपर वाला कवर है मैं थोड़ा सा इसे साइड में रख लेता हूँ। तो अब आप इसे इस तरह से खोल सकते हो। ये क्या मेरे को साइकिल सीट दे दिया है? ओ सॉरी, इसका ये कवर है, इसके अंदर हमारा जो गिम्बल है वो है। तो बाकी की जो चीज़ें हैं वो भी हम देख लेते हैं। इसके बाद आपको इसका जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है वो मिल जाता है, आप इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के दौरान भी बता दूंगा इसे कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद आपको इसका एक इस तरह का एक हैंडल मिलता है जो आप यहाँ पर इसके गिम्बल के कवर के साथ इसे फिक्स कर सकते हो और कहीं पर भी इजीली कैरी कर सकते हो। तो जैसा आप देख सकते हो ये बहुत ही टाइट है क्योंकि नया वाला है। तो देखिए ये हो चुका है, दूसरा एंड जो है वो आप यहाँ पर फिट कर दोगे, तो ये आपका हैंडल टाइप का हो गया। इसके बाद गिम्बल पर लगाने के लिए आपको एक छोटा सा एक और हैंडल मिलता है जो आप हाथों में इस तरह से रख सकते हो, गिम्बल को लटका के चल सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर एक USB केबल मिल जाता है। हाँ, इसमें आपको रिचार्जेबल बैटरीज मिलता है, इसलिए आप इसे कहीं पर भी रिचार्ज कर सकते हो। उसके बाद आपको लास्ट में इसका एक छोटा सा स्टैंड मिल जाता है जो आप गिम्बल के नीचे लगाकर इसे इस तरह से खोल सकते हो। बेसिकली ट्राइपॉड की तरह भी आप गिम्बल को रख सकते हो। तो चलिए अब हम गिम्बल को खोलते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो ये जो हैंडल है मैंने केस के साथ बांध दिया है, तो अभी आप इसे इजीली कहीं भी अपने कंधे पर रखकर ले जा सकते हो। तो चलिए अब हम इसे खोलते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो गाइस, ये है हमारा डिजिटेक 3 एक्सिस गिम्बल। काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है और इसका फिनिश जो है मैट फिनिश दिया गया है, और मैंने इसे ब्लैक कलर में ख़रीदा है। अब आपको ग्रे कलर अगर पसंद है तो आप वो जो दूसरा मॉडल है वो आप ले सकते हो। कितना सुंदर दिखाई दे रहा है आप देख सकते हो, और काफ़ी वज़नदार भी है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था,
ये इसका जो कवर है, यहाँ पर इसका जो वेट है वो दिया गया है, ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 450 ग्राम है, यानी 450 ग्राम का गिम्बल है। ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 250 ग्राम तक का मोबाइल सपोर्ट कर सकता है। अगर मैं खुद के एक्सपीरियंस से कहूँ तो 250 से 300 के बीच में आप कोई भी फ़ोन इसमें लगा सकते हो, उससे ज़्यादा अगर आप लगाओगे तो ये आपका शायद अच्छे से काम ना करे। इसलिए आपका फ़ोन का वेट अगर 300 ग्राम से नीचे है तो आप इस तरह के गिम्बल को खरीदिए। उसके बाद इसका जो चार्जिंग टाइम है, जी हाँ, इसमें आपको रिचार्जेबल बैटरीज मिलता है, वो आपका 4 to 5 आवर्स तक लेता है कंप्लीट चार्ज होने में। एक बार जब ये चार्ज हो जाए उसके बाद आप इसे कंटिन्यूअसली 12 आवर्स तक यूज कर सकते हो। ऑपरेशनल टाइम इसका 12 आवर्स है। तो चलिए अब ये कैसे काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये कैसे काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये इसका हैंडल का पोर्शन है जिसे आप अपने हाथों में इस तरह से पकड़ सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ स्विच मिल जाते हैं। ये इसका पावर बटन है, ये इसका मूवमेंट बटन है, ये ऊपर नीचे लेफ्ट राइट होगा। तो जैसे ही आप मूव करोगे ये जो गिम्बल है ये भी मूव होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको एक मोड बटन मिलता है। सिमिलरली अगर मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पर करूँ तो यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है जिसमें W और T लिखा हुआ है। जब आप अपने फ़ोन को डिजिटेक के एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर लोगे तब आप वीडियो को जाइए या फिर फोटोज़ को जाइए, और अगर आप इसे ऊपर करोगे तो जो जूम है वो आपका ज़्यादा होगा, जब आप इसे नीचे करोगे तो वो आपका जूम आउट हो जाएगा, यानी कि जूम कम हो जाएगा। ये एक फीचर यहाँ पर दिया गया है। अगर मैं इसे यहाँ पर करूँ तो यहाँ पर इसका जो चार्जिंग प्लग है वो मिल जाता है। तो ये इसका इनपुट है और ये इसका आउटपुट है। जी हाँ, ये एक पावर बैंक की तरह भी काम करेगा। अगर आप पावर सॉकेट से यहाँ पर लगाते हो तो ये चार्ज करेगा खुद को। अगर आप इस वाले USB को कनेक्ट करके जो दूसरा पोर्शन है वो अपने फ़ोन पर लगाओगे तो इसके थ्रू आपका फ़ोन भी चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें मिलते हैं, इनपुट और आउटपुट पोर्ट। सिमिलरली पीछे अगर मैं करूं तो यहां पर आपको एक और स्विच मिलता है, ये आपका वीडियो स्टार्ट या फिर वीडियो ऑफ का स्विच है, या फिर फोटो अगर आप रख रहे हो तो इसे अगर आप एक बार क्लिक करते हो तो फोटो आपका खिंच जाएगा। तो ये इतने सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। अब एक चीज़ आपको बता दूँ, स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि ये एक 3-एक्सिस गिम्बल है। 3-एक्सिस इसीलिए क्योंकि ये 3 जगहों पर मूव कर सकता है। सबसे पहला है ये वाला पोर्शन, ये इसमें एक मोटर लगा हुआ है। सिमिलरली ये वाला एक पोर्शन, इसमें भी आपका एक मोटर लगा हुआ है। और सिमिलरली थर्ड ये वाला पोर्शन, इसमें भी आपका एक मोटर लगा हुआ है। ये आपका पैन एक्सिस है, ये आपका रोल एक्सिस है, और ये आपका टिल्ट एक्सिस है। क्योंकि इसमें आपको 3 एक्सिस दिए जाते हैं, 3 पॉइंट्स दिए जाते हैं, इसीलिए हम इसे 3-एक्सिस गिम्बल कहते हैं। अब आप इसे इस तरह से अपने हाथों में रख के यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आप इसे एक जगह पर इस तरह से रखना चाहते हो तो आप इसका बस स्टैंड जो दिया गया है इसे आप फिट कर लीजिए और आप इसे ओपन कीजिए और इस तरह से रख लीजिए। कहीं पर भी आप इसे रख के यूज़ कर सकते हो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसे आप कभी भी बिना मोबाइल कनेक्ट किए या फिर मोबाइल को मैन्युअली स्टेबल किए ऑन मत कीजिएगा। अगर आप वैसा करते हो तो इसका जो मोटर है वो ख़राब हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले आप अपना फ़ोन जो है वो कनेक्ट कीजिए। तो बहुत ही सिंपल है फ़ोन कनेक्ट करना, कैसे होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर आपको मोबाइल होल्डर मिल जाता है जिसे आप इतना खींच सकते हो, यानी ये एक यूनिवर्सल मोबाइल होल्डर है। कोई भी शेप का फ़ोन आप यहाँ पर लगा सकते हो, लेकिन उसका वेट 300 ग्राम या फिर उससे कम ही होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, इसे यहाँ पर इस तरह से फिट कर लेते हैं। फिट करने के बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर नीचे आपका एक होल्डर मिलता है, इसे आपको इस तरह से प्रेस करना होगा। तो जैसा आप देख सकते हो, मैं कोशिश करता हूँ पास से दिखा पाऊँ, तो जो हमारा फ़ोन है वो यहाँ पर नीचे बैठना चाहिए। तो देखिए ये आपका बैठ चुका है और ये अच्छी तरीके से कनेक्ट हो चुका है। अब आप इसे फ़ोन को यहाँ पर रखिए। तो ये पहली चीज़ है। तो आपको सबसे पहले अपने फ़ोन को यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट करना है। अब आप क्या कीजिएगा, फ़ोन को आपको मैन्युअली स्टेबल करना होगा। मैन्युअली स्टेबल आप कैसे करोगे, इसे आप इस तरह से घुमाइए। तो देखिए अब फ़ोन को आप थोड़ा सा छोड़िए, देखिए फ़ोन एक तरफ टिल्ट हो जा रहा है, यानी कि लेफ़्ट साइड में फ़ोन का वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए आपको पहले इसे मैन्युअली स्टेबल करना होगा। मैन्युअली स्टेबल करने के लिए यहाँ पर देखिए आपको एक छोटा सा बटन मिलता है, इसे आप पहले हल्का सा लूज़ कीजिए। लूज़ करने के बाद आप देखिए फ़ोन आपका किस तरफ ढल रहा है। तो देखिए लेफ़्ट साइड ज़्यादा ढल रहा है, इसका मतलब यह है कि आपको इस तरफ थोड़ा सा और खींचना होगा। तो क्या है, जो फ़ोन का वेट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ताकि ये बीच में रह जाए। तो जैसा आप देख सकते हो, अभी थोड़ा सा हम करके देखते हैं बीच में रह रहा है क्या। हाँ देखिए, तो समवॉट हमने फ़ोन को मैन्युअली बीच में रख लिया है। मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर दिखा देता हूँ।
यहाँ पर देखिए इसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल में दिया गया है, फोन आइदर इस तरह से सीधा रहना चाहिए या फिर थोड़ा सा ऊपर टिल्ट या फिर थोड़ा सा नीचे टिल्ट होकर रहना चाहिए, उसके बाद ही आप गिम्बल को ऑन कीजिएगा। यहाँ पर देखिए अगर पूरा ढल जा रहा है एक तरफ तो यह आपका सेट नहीं हुआ है, तब आप गिम्बल को ऑन मत कीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, जो फोन का ब्लूटूथ है उसे अभी हम ऑन कर लेते हैं। तो देखिए ब्लूटूथ ऑन हो चुका है, अब हम क्या करेंगे इसे इस तरह से रखते हैं और जो पावर स्विच है जो कि आप ये वाला देख रहे हो इसे अभी हम कुछ सेकंड्स के लिए प्रेस करते हैं और देखिए यह हमारा ऑन हो चुका है और फोन ऑटोमेटिकली आपका सीधा हो गया। ये इसलिए हो पाया क्योंकि हमने इसे मैन्युअली थोड़ा सा स्टेबल किया था। अगर आप बिना मैन्युअली स्टेबल के इसे ऑन कर दोगे तभी आपका इस तरह से ऊपर नीचे होगा, यानी कि खुद को स्टेबल नहीं कर पाएगा। अब आप देखिए ये कितनी अच्छी तरीके से स्टेबल हो चुका है। अब देखिए इसका जो मूवमेंट स्विच है, अगर मैं इसे इस तरफ करता हूँ तो ये आपका घूमना शुरू हो गया। सिमिलरली अगर मैं इसे इस तरफ करता हूं तो देखिए ये आपका इस तरफ से घूमना आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसे ऊपर करते हो तो देखिए ये फिर से हो गया। सिमिलरली इसे अगर आप नीचे करते हो तो ये आपका इस तरह से हो गया। तो ये आपको एक कंप्लीट 360 रोटेशन प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू आप किसी भी वीडियो को या फिर किसी भी वीडियो में इसे यूज कर पाओगे। अब देखिए कितना स्टेबल है, तो जब आप वीडियो बना रहे होगे तो कोई भी शेकीनेस आपका वीडियो में नहीं आएगा, तो इसलिए हम इसे स्टेबिलाइजर फॉर मोबाइल कहते हैं। अब एक वीडियो बनाते हैं और देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो मैंने गिम्बल को हाथों में पकड़ लिया है ताकि आपको इसके जो डिफरेंट मोड्स हैं वो दिखा पाऊँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मोड का आपको एक सिंगल बटन मिलता है, तो इसे एक एक बार प्रेस करके आप इसके जो डिफरेंट मोड्स हैं उसमें शिफ्ट कर सकते हो। इसमें आपको चार डिफरेंट मोड्स मिलते हैं। सबसे पहला है ऑल फॉलो मोड, दूसरा है आपका हाफ फॉलो, तीसरा है आपका लॉक फुल, चौथा है आपका FPV यानी कि फर्स्ट पर्सन व्यू मोड। तो जैसे ही आप गिम्बल को ऑन करोगे ये ऑल फॉलो मोड में सेट हो जाएगा। ऑल फॉलो में आपका जो रोल एक्सिस है वो आपका लॉक रहेगा, बाकी के जो दो एक्सिस है वो आपका खुला रहेंगे। तो जैसा आप देख सकते हो, सिमिलरली अगर आप इसे दूसरी बार प्रेस करते हो तो ये आपका हाफ फॉलो में चला आएगा। इसमें आपका टिल्ट और जो रोल एक्सिस है वो लॉक रहेगा, बाकी का जो पैन एक्सिस है वो आपका मूव होता रहेगा। सिमिलरली तीसरा है आपका लॉक फुल मोड, इसे अगर आप प्रेस कर दोगे तो ये आपका कंप्लीटली लॉक हो जाएगा और ये आपका मूवमेंट नहीं होगा, आप अपने हाथों को जहां पर भी लोगे ये उसके साथ चलता रहेगा। सिमिलरली लास्ट में है आपका फर्स्ट पर्सन व्यू, जिसमें ये कंप्लीटली ढीला हो जाएगा, यानी तीनों एक्सिस अलग अलग करके अपने हिसाब से मूव करेंगे, यानी आप इस तरह से इसे मूव कर पाओगे, इस तरह से भी इसे मूव कर पाओगे और फिर अपने हाथों को इस तरह से भी मूव कर पाओगे। फिर से अगर आपको स्टेबल करना है तो एक बार फिर से मोड बटन को क्लिक कर लीजिए और ये देखिए आपका स्टेबल वापस से हो गया। अब ये आपका हॉराइजेंटल व्यू में है, अगर आप इसे वर्टिकल में करना चाहते हो तो आपको मोड बटन को 3 बार कंटिन्यूअसली प्रेस करना होगा, 1 2 3। तो जैसा आप देख सकते हो ये आपका वर्टिकल ऑटोमेटिकली हो गया। अब अगर आप मोड बटन को सिंगल टाइम प्रेस करते हो तो वापस से जो चारों मोड है इसमें भी आपका हो जाएगा। सपोज आपको वर्टिकल से फिर से हॉराइजेंटल में लाना है तो आपको फिर से मोड बटन 3 बार प्रेस करना होगा और ये आपका देखिए हॉराइजेंटल में आ चुका है और उसके बाद आप इसे इस तरह से बहुत ईजीली मूव कर सकते हो। फिर से 3 बार हम प्रेस करते हैं वर्टिकल में, तो जैसा आप देख सकते हो वर्टिकली आ चुका है, वर्टिकली भी आप इसे बहुत इजीली इस तरह से मूव कर पाओगे। फिर से आप प्रेस कीजिए और ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। तो इस तरह से आप इस गिम्बल को यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको 2 LED लाइट्स दिख रहे होंगे, राइट साइड और लेफ्ट साइड वाला। लेफ्ट साइड वाला आपका पावर लाइट और बैटरी लाइट है। जैसे ही आप पावर बटन को ऑन करोगे ये आपका ब्लू हो जाएगा, अगर बैटरी में चार्ज कम है तो ये आपका ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा या फिर रेड कलर का दिखेगा, तब आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने गिम्बल को चार्ज करना होगा। सिमिलरली जो राइट साइड वाला लाइट है ये इसका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी लाइट है। फोन का ब्लूटूथ और गिम्बल अगर कनेक्टेड ना हो तो ये आपका ब्लिंक होता रहेगा ब्लू कलर से, अगर ये कनेक्ट हो जाए तो उसके बाद ये आपका ग्रीन कलर हो जाएगा। तो अभी फोन और गिम्बल दोनों ही कनेक्टेड है। तो अब जैसे मैंने आपको कहा था गिम्बल के पीछे आपको एक छोटा सा स्विच मिलता है, मैं कोशिश करता हूं आपको दिखा पाऊं, ये वाला जो स्विच आप देख रहे हो, तो इसे जैसे ही आप प्रेस करोगे आपका जो फोन है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, चाहे फोटो में हो या वीडियो में हो। तो देखिए अभी मेरा वीडियो में है, मैं इसे प्रेस करता हूं और देखिए ये आपका ऑटोमेटिकली वीडियो लेना शुरू हो चुका है। तो अब आप इसे इस तरह से
करके वीडियो ले सकते हो। तो आप कोई सीनरी वगैरह कर रहे हो या फिर कहीं जा रहे हो तो आप अब सीधा चलिए और बस इसे इस तरह से हैंडल से घुमाते रहिए और यह आपका वीडियो लेता रहेगा, तो जैसा आप देख सकते हो। सिमिलरली अभी वीडियो आपको बंद करना है तो फोन को पकड़ने की जरूरत नहीं है, वही पीछे वाला जो बटन है आप देख रहे हो उसे बस इस तरह से एक बार प्रेस कर लीजिए और देखिए ये आपका वीडियो बंद हो चुका है, यानी वीडियो आपका शुरू हुआ और वीडियो आपका खत्म भी हो गया। सिमिलरली फोटोज में रख के अगर आप पीछे वाला क्लिक करोगे तो आपका जो फोटोज है वो भी कैप्चर हो जाएगा। तो आप इस तरह से कुछ डिजिटेक 3-एक्सिस गिम्बल को बहुत इजीली अपने हाथों में रख के या फिर कहीं एक जगह पर रखकर यूज कर सकते हो। देखिए मैं गिम्बल को यूज करके एक वीडियो बना रहा हूँ तो आपको जो स्टेबिलाइजेशन है उसका पता चल जाएगा। देखिए मोबाइल अभी मूव कर रहा है लेकिन वीडियो में जो शेकीनेस है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से आप कुछ गिम्बल को यूज कर सकते हो। तो गाइज आप इसी तरह से इस गिम्बल को यूज कर सकते हो। बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स भी भर भर के हैं इसमें, लेकिन क्योंकि मैंने इसे अभी खरीदा है मुझे भी कंप्लीट फीचर्स का आइडिया नहीं है, सच कह रहा हूँ। मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे कंप्लीटली सीखने के लिए, लेकिन उससे पहले इसका जो चार्जिंग है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आप इसे डायरेक्टली पावर प्लग के साथ कनेक्ट कर सकते हो या फिर अगर आपके पास पावर बैंक है तो आप पावर बैंक लीजिए और इसका जो चार्जिंग पॉइंट है उसे आप इस तरह से कनेक्ट कर दीजिए। जैसे ही आप कनेक्ट करोगे ये देखिए ये लाइट आपका ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि गिम्बल अभी चार्ज हो रहा है। जब ये लाइट ब्लिंक होना बंद हो जाए यानी कि कंप्लीटली ब्लू लाइट ग्लो हो जाए तब इसका मतलब है कि आपका जो गिम्बल है वो कंप्लीटली चार्ज हो चुका है। अब मैं आपको पावर बैंक कैसे यूज़ करते हैं वो भी बता देता हूँ। आप सिंपली इसे उल्टा घुमाइए और इसका जो USB प्लग है इसे यहाँ पर लगा दीजिए और फिर अपना फोन हो या फिर अपना पावर बैंक ही क्यों ना हो वहां पर इसे कनेक्ट कर लीजिए। तो जैसा आप देख सकते हो अभी पावर बैंक चार्ज होने लगा है, यानी गिम्बल से मैं अभी पावर बैंक को चार्ज कर रहा हूं। तो इसका जो हैंडल है आप इसे पावर बैंक की तरह भी यूज कर सकते हो। अब इसके प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 5,000 से 6,000 के बीच में आएगा। अब हो सकता है इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा भी हो या फिर कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है इसके सेलिंग के ऊपर और बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर। ये आपका बोथ ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केट दोनों जगहों पर अवेलेबल है। एक बार दोनों जगहों पर इसका प्राइस कंपेयर कर लीजिए और उसके बाद ही इसे खरीदिएगा। मैं इसका जो ऑनलाइन लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा ताकि आप वहां पर जाकर देख सको। तो ये है गाइस हमारा डिजिटेक 3-एक्सिस गिम्बल। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसी तरह के कुछ नए वीडियोस के साथ आपके सामने फिर आऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।